gold and silver are precious metal. That is over. Sanskrit as well as Hindi was taught. Agla niyam hai, either the cat or the dog has been here. यहाँ आइदर का प्रयोग हुआ है और ऐसे आइदर के प्रयोग की स्थिति में हैज जो है सिंगुलर वर्ब है, तो ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर आइदर का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होगा. आइदर द कैट और द डॉग हैज बीन हियर. Either या तो बिल्ली, neither should be neither the cat nor the dog has been here. न तो बिल्ली न तो कुत्ता यहाँ रहे हैं. आगे एग्जाम्पल देखते हैं. Either he or I am mistaken. या तो वह या मैं गलत है. यहाँ पर देखेंगे आई के साथ एम लगा है क्योंकि आइदर और आर का प्रयोग हुआ है, तो जो सेकेंड जो प्रोनाउन है तो उसके साथ में एम का प्रयोग, उसके अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होगा. दिस इज आइदर ही आर आई आई एम मिस्टेकन. अगला रूल है आइदर नाइदर ईच एवरी वन मेनी इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है. अगला रूल है नन आर सो डेफ. नन कोई भी इतना बहरा नहीं है. ये हालांकि शाब्दिक अर्थ के अनुसार ऐसा लगता है कि ये सिंगुलर के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा. अगला एग्जांपल देखते हैं. कमेटी हैज़ इशूड द रिपोर्ट. कमेटी कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि हमें बहुवचन पूरा वर्ब का प्रयोग करना है, बहुवचन क्रिया का प्रयोग करना है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर का प्रयोग होगा. कमिटी हैज़ इशूड द रिपोर्ट. कमिटी ने रिपोर्ट जारी किया. अगला एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बिग नेवी. यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, तो स्टेट्स शब्द से ऐसा लगता है पूरा है, लेकिन एक ही कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स. सो यहाँ पर हैज यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा. लेट अस गो फॉर अनदर एग्जांपल. 15 मिनट्स इज अलाउड टू ईच यानी सबके लिए 15 मिनट अलाउड टू 15 मिनट्स इज अलाउड टू ईच स्पीकर. हर एक वक्ता के लिए 15 मिनट की अनुमति है. सो दिस इज अबाउट द यूज ऑफ वर्ब विथ नॉन प्रोनाउन, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विथ द सब्जेक्ट्स. सो व्हाइल मेकिंग द सेंटेंसेस वी शुड बी केयरफुल अबाउट the agreement of verb with person with subjects, whether it is agreeing or not, and what are those conditions when singular or plural verbs to be used. That is most important. Thank you for being with me. Thank you very much.